मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, सौम्य हूँ मैं रुद्र भयंकर, विश्वामित्र का ज्ञान भी मैं हूँ, परशुराम का मान भी मैं हूँ, तुझ में मुझ में रोम रोम में कण कण भर में शिव ही शिव। मंदिर में बहुत गजब वाली स्नोफॉल शुरू हो गई है। ओ भाई क्या एक्सट्रीम लेवल का स्नोफॉल हो रहा है, अब वो ना लट से मारेंगे उसकी। ये तो बहुत ही गलत है यार। हे गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है केदारनाथ ट्रैक की। ये ट्रैकिंग पोल, इतना बड़ा बैग, सब कुछ लेके मैं निकल रहा हूँ बाबा केदार के दर पे। लास्ट 3 दिन से बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है इधर, तो अभी निकलेंगे। 5:30 बज गए हैं, वैसे तो 4 बजे उठ गया था मैं, लेकिन लेट हो गया रेडी होते होते, तो अभी निकलते हैं। एंड मैं हूँ अकेला। वैसे मान्यता तो ये है कि आप केदारनाथ ऊपर जाते हैं तो पहले गौरीकुंड में स्नान करके जाना चाहिए। कुछ लोग घोड़ों से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। अभी हमारी मॉर्निंग यात्रा शुरू हो गई है। मैंने पानी गर्म करवा दिया है, क्योंकि हाइट पे जब प्यास लगेगी तो ठंडा पानी ठीक नहीं रहेगा। गर्म पानी रखो, ट्रैकिंग में हमेशा बढ़िया रहता है। घुड़सवार जब आते हैं ना तो थोड़ा साइड में होना पड़ता है। सबसे ज्यादा मेहनत तो ये कर रहे हैं यार, ये देखो ना, ये इनका अलग है, ऊपर शायद शॉप में देते हैं जाके। ये देखो बहुत सारे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, एंड वो जो सामने की तरफ में जो माउंटेन दिख रहा है ना, एंड वहाँ कहीं जाके मंदिर है। काफी हाइट पे है लेकिन हम कर लेंगे। अभी रोशनी होगी अच्छी खासी, मे बी हमने 1 किलोमीटर ही अभी तक किया है कवर। केदारनाथ के रास्ते में ट्रैक में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो इस तरह के झरने भी देखने को मिलते रहेंगे, तो आपका मन लगा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। खच्चर की सवारी भी लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इनसे ही थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है अपना। पैदल आप वैसे कंटिन्यू चलोगे तो थकान नहीं आएगी, लेकिन जब खच्चर वच्चर आ जाते हैं ना, उनको रास्ता देना पड़ता है, एंड इनको बड़ा मारा जाता है, बड़ी सारी चीजें की जाती है यार। देख ही रहे हैं हम, तो देख ही रहे हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके का ट्रैक बना हुआ है। वैसे तो बाइक भी चढ़ सकती है इस रास्ते में, लेकिन अलाउड नहीं है, बस इतना ही है। एंड पीछे भी लोग खूब आ रहे हैं, एंड ये देखो, और चोपर भी चल रहे हैं खूब। ये तो क्या 2 दिन बाद एंड हो जाएगा यहाँ का, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है कि रेट बिल्कुल कम कर रखे हैं, घोड़ों को भी बिल्कुल दाम कम है। लेकिन मेरा मानना है कि घोड़े तो ना ही लें, इससे बढ़िया पैदल जाएं या फिर हेलीकॉप्टर ही लें डायरेक्ट, किसी एनिमल को तंग मत करें। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नज़ारे चेंज होते जा रहे हैं, एंड जब तक ऊपर जाएंगे बर्फ ही शुरू हो जाएगी। तो अपने चल रही है कंटिन्यूसली ट्रैकिंग, 5 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिया होगा अभी तक ऑलमोस्ट, एंड अभी भी काफी ऊंचा है, तो धीरे धीरे कर लेंगे हम। उनकी पैकिंग चल गई क्योंकि केदारनाथ बंद होने वाला अभी 2-3 दिन में, वेदर भी चेंज हो गया इधर का। तो वैसे भी घोड़े चल रहे हैं, अगर दूसरी तरफ भी ये खच्चर आ जाते हैं ना तो पैदल के लिए टफ हो जाता है। ये देखिए आगे एक सेकंड में आते रहते हैं, एंड भाई इनका बहुत मिसयूज होता है, भाई बहुत मिसयूज होता है। इनको वो गांजा बांजा पिलाते हैं, सुबह सुबह वो हो रहा था, क्या शूट करें यार इनको। देर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी इस ट्रैक में, एंड एक तरफ के नज़ारे ही अलग है। अभी जाके मैंने कंफर्म किया कि हमने ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, आई थिंक 17 किलोमीटर बचते हैं अभी, तो वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप यहाँ से खा पी सकते हो, कैफेटेरिया है। और यहाँ से देखो कितना शानदार वाटर आ रहा है नीचे, दिस इज द रियल स्ट्रगल। ये फिर भी पुण्य का काम कर रहे हैं। और ये देखो ब्रिज बना हुआ है, नीचे से रिवर साइड है, यहाँ से बहुत शानदार व्यू है, नीचे से नदी बह के जा रही है। अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं हम, लेकिन एक ही परोंठा खाएंगे और फिर करेंगे यहाँ से सवारी।
कम से कम 6-7 फीट का होगा भाई, बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर जितना बड़ा लग रहा है ये उड़ता हुआ। वैसे तो प्रॉपर रास्ता ये वाला है, हमको दो बंदे मिले, दो भाई हरियाणा से, तो ये देखो एक शॉर्टकट है, सभी लोग यहाँ से भी आ रहे हैं। अब ये लोग आ रहे हैं तो हम जा भी सकते हैं, तो रुक के थोड़ी सी ताकत जोड़ रहे हैं हम, और उसके बाद हम यहाँ से सीधा शॉर्टकट लेंगे। भाई ये देखो, ये रिस्क लेनी भी नहीं चाहिए ये वाली, इसमें बंदा गिर भी सकता था, अभी गिर गया था ये वाला बंदा। वैसे रास्ता तो वो था, लेकिन हमने ये वाला शॉर्टकट लिया है। ये गलत है यार, अब वो ना लट से मारेंगे उसको, देखना खड़ा हो गया वो, दे लकड़ी से डर के खड़ा हुआ है। शेम ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल यार। ये तो बहुत ही गलत है यार, ये देखो कैसे अत्याचार हो रहा है इन पे। हेलो हेलो, एंड हमने टफ रास्ते किए हैं, ये दोनों भाई हमारे साथ हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से हम पहुंच गए यहाँ पे, लगभग यहाँ तक पहुंच गए, तो आगे भी आराम से आगे भी पहुंच जाएंगे। यहाँ तक आना थोड़ा टफ था, यहाँ तक अपने आप भोले बाबा ले ही जाएंगे तो। भाई हर हर महादेव बोल के चलते हैं आगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई कैफे, यहाँ से हम ले रहे हैं ब्लैक कॉफी, और हमारे साथ में कई लोग और भी जुड़ गए हैं भाई पुणे से, ये तो थे साथ में, और हम अब चार आदमी हो गए। एंड इधर कोई शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट लेने की ट्राई करते हैं, जस्ट बिकॉज कि इधर से जो रास्ता जा रहा है ये काफी लंबा होकर जाएगा, तो ये वाला रूट लेंगे हम। तो जी हम अभी आ चुके हैं ऊपर चढ़ाई करके, हमारे दोनों जवान, ये फिर भी चार्ज है, ये थोड़ा लो रहा है। एंड यहाँ अपना नींबू पानी बन रहा है, नींबू पानी पियेंगे, ये तो अलग ही ब्यूटी है। अभी हमारा बन रहा है लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस, विटामिन सी। ये हमारा नींबू पानी आ गया, देखो कितना शानदार देखने को मिल रहा है नजारा, और बस चढ़ाई थोड़ा टफ है यहाँ की, अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है, सुबह के निकले हुए हैं भाई। इधर अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ हुआ है, एंड अभी हल्के फुल्के फुहारे से आ रहे हैं, वो सामने की साइड में उधर जाके आगे मंदिर है, एंड यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुका है अच्छा खासा। आपको दिखाता हूँ जूम करके, जूम करके आप देखो कितना सही स्नोफॉल हो रहा है। इस तरफ देखो आप, इस तरफ आपको बेटर आइडिया लगेगा, और हमें जाना है वहाँ पे, अभी तो बहुत दूर पड़ा है। तो ये देखिए कितनी स्नोफॉल शुरू हो गया, कितना तेज वाला, ये देखो कितना तेज हो रहा है, और स्नो में चढ़ना टफ लगता है। एवरीबॉडी आफ्टर स्नोफॉल यू कैन सी दिस, क्या नजारे हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इट्स लुक लाइक हेवन, इतना खूबसूरत नजारा मैंने इस तरीके से नहीं देखा, अभी भी स्नोफॉल ही हो जा रहा है। बस अभी यहाँ से मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जगह बहुत जन्नत है भाई, कुछ भी कह लो, भगवान भोलेनाथ को ऐसे ही बाबा बर्फानी नहीं बोलते हैं, ये ऐसे नज़ारों में रहते हैं यार, इसलिए इनको बोलते हैं बाबा बर्फानी। और हम पहुंचे हैं इनकी नगरी में, और थोड़ी देर में हम दर्शन करेंगे। अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, जय शिव शंभु, सामने की साइड में है टेम्पल, बाबा की नगरी में एंट्री हो गई है केदारनाथ में, रूम ढूंढ रहे हैं। गाइस ये जो आप रूम देख रहे हो, कैसे भी करके हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई है, हमने बहुत कोशिश की, कब से स्नोफॉल में घूम रहे थे, हर कोई 10,000 रुपए रूम मांग रहा है यहाँ पे मंदिर के पास में, एक्सट्रीम महंगा हो रहा है ये, एंड हमें ये जो प्रॉपर्टी मिली है, ये रूम भी हमें करीब 6,000 रुपए का पड़ा है। ये मेरे साथ जो हरियाणा वाले थे भाई, और हम तीनों ने ये रूम ले लिया है, इस जगह पे हमारा स्टे है। एंड नीचे देखो फुल ब्लैक आइस पड़ी है, फुल ब्लैक आइस, पैर फिसल रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। स्नोफॉल देखो गाइस, आप ये देखो कैसे स्नोफॉल हो रखा है, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, सौम्य हूँ मैं रुद्र भयंकर, विश्वामित्र का ज्ञान भी मैं हूँ, परशुराम का मान भी मैं हूँ, कृष्ण सुदर्शन भी मैं हूँ, नारी का सम्मान भी मैं हूँ, सर्द भी मैं हूँ, गर्म भी मैं हूँ, वेद शास्त्र का मर्म भी मैं हूँ, फल भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, सबसे ऊंचा धर्म भी मैं हूँ।
तुझ में मुझ में रोम रोम में कण कण भर में शिव ही शिव, भोर सांझ में हर एक सांस में हर आखर में शिव ही शिव, सर सरिता में शिव को देखूं और सागर में शिव ही शिव, घट घट में पन घट में देखूं और गागर में शिव ही शिव। मंदिर में बहुत गजब वाली स्नोफॉल शुरू हो गई है और मॉर्निंग दर्शन करने एक बार फिर से भी आएंगे हम लोग। अभी मैं अंदर जाके दर्शन करके आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से बढ़िया से दर्शन हो चुके हैं। मैं हूँ अभी केदारनाथ में और ऊपर से देखो कितना शानदार स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही शानदार। मेरे साथ के भी कुछ राइडर यहाँ आने वाले थे लेकिन वो अभी रस्ते में, वो शायद कल शाम तक यहाँ पे पहुँचेंगे और अपने यहाँ पे आराम से दर्शन हो गए हैं। बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। देखो आराम से दर्शन होने के बाद में सारी की सारी थकान उतर गई है, जितनी भी थकान थी, और बहुत अच्छी भीड़ है, लोगों का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना शानदार यहाँ पे माहौल बना हुआ है। चेयर कैसे भरी पड़ी है स्नो से, यहाँ देखो कैसे स्नो है, नीचे देखो कितनी स्नो है, ये देखो एंड ये देखो हर तरफ स्नो ही स्नो। एंड अपना भरा कैसा लग रहा है स्नो में आके, मैं बहुत नाइस लग रहा है, और तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है भाई, कहीं देख लो कल तक तो स्वर्ग बन जाएगी ये जगह। मैंने अपनी लाइफ में इतना स्नोफॉल कभी नहीं देखा था, मतलब इससे पहले देखा है लेकिन इस लेवल का नहीं देखा था। देखो किस लेवल की स्नो पड़ी है यहाँ पे, ठीक है ये वैसे जगह जनता था, वैसे अभी तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएंगे, सुनी हो जाएंगे, करना पड़ता है। बाकी यार जगह बहुत जनता था, सवेरे तक ये बिल्कुल सफेद हो जाएगा, और मंदिर जाए कल मॉर्निंग मत्था टेक के आएंगे, वो चीज़ आपको कल दिखाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट दे, लव लाइफ। ओ भाई क्या एक्सट्रीम लेवल का स्नोफॉल हो रहा है, क्या एक्सट्रीम लेवल का, मॉर्निंग तक तो कुछ नहीं दिखेगा, सब वाइट हो जाएगा। अपने सारे कपड़े गीले हो गए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जल्दी से घर पहुंचते हैं होटल में।